एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। अल्पकालिक ऋण जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है, 2014 में वो 7 लाख दिया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। यह FPO बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है, इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम है। और जो किसान जो मरे उनको मुआवजा को लेकर बात, एमएसपी गारंटी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि क्या हो सर। Alright, that very brief address by the Union Agriculture Minister, as we have been tracking all the details in the Parliament, in both houses of the Parliament, for the repeal of the farm laws and the process that has been initiated, the assent of the President that is now awaited. But most importantly, the politics that has been playing over this and how the opposition claims that they were not given a chance to put forth their point.